जहां पूरे देश में फिल्म पद्मावत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी गांधी पार्क मैदान से जिला मुख्यालय तक फिल्म पद्मावत के विरोध में राजपूत समाज सड़कों पर निकल आया। जहां फिल्म पद्मावत को लेकर राजपूत समाज के लोगों ने कहा है कि अगर सहारनपुर के किसी भी सिनेमा घर में पद्मावत फिल्म लगी तो उस सिनेमा घर को आग के हवाले किया जाएगा। इतना ही नहीं, राजपूत समाज के लोगों ने फिल्म पद्मावत देखने वालों को भी खुली चेतावनी देते हुए पुलिस प्रशासन के सामने कानून अपने हाथ में लेने का भी ऐलान किया है। जहां पुलिस के साथ भी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शनकारियों की नोकझोंक देखने को मिली। वहीं एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह ने कहा है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा अमल होगा और जो लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जिला संवाददाता अंकुर सैनी की रिपोर्ट। मेरा नाम नागेंद्र राणा है, मैं राजपूत समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पद्मावती के सम्मान में ठेस पहुँचाने का काम करा और फिल्म दिखाई, उसके विरोध में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उसने जो इतिहास लिखा हुआ है, जो हमारे पूर्वजों ने अपनी गर्दन कटवा के इतिहास बनाया, उस इतिहास को मिटाने का, तोड़ मरोड़ करने का काम किया। तो हम यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारा जो आज का लक्ष्य है, हमारी मांग है, फिल्म पे पूर्ण से विरोध, मतलब बैन लगाया जाए, फिल्म बिल्कुल भी रिलीज ना हो, यही हमारी मांग है। और यही सुनो, यही मैं एक वो कहना चाह रहा, एक कहना मैसेज देना चाह रहा हूँ, अगर शांति रखनी है, शांति बनाए रखनी है, बैन करनी पड़ेगी, पिक्चर बैन करनी पड़ेगी, वरना हम लोग बिल्कुल नहीं बैठेंगे। हम अपनी संस्कृति सिनेमा हॉल में आग लगेगी, ऐसा अगर पिक्चर पे बैन ना लगा तो हम पिक्चर हॉल में भी आग लगावेंगे, पिक्चर हॉल में आग लगावेंगे, सड़कों पर तोड़फोड़ करेंगे, बिल्कुल पिक्चर नहीं हटेंगे। और चाहे इसके लिए हमें खुशी के लिए हमें फांसी में चढ़ना पड़ जाए, हमारी सिर्फ एक ही मांग है, इसको पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में बैन किया जाए। और अगर सरकार बैन करने में नाकाम साबित होती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, हम किसी भी पिक्चर हॉल में फिल्म को नहीं चलने देंगे। अपनी सेना और सभी हिंदू संगठन, सभी राजपूत संगठन मैदान में है और जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। संगठनों के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया था, सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा ज्ञापन दिया गया है जिसमें उनके द्वारा प्रतिबंधित करने के लिए निवेदन किया गया है। उनकी भावना से शासन को अवगत करा दिया जाएगा। सारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा है, नॉन ऑर्डर मेंटेन किया गया है और किसी को भी नॉन ऑर्डर अपने हाथ में लेने के लिए क्षमा नहीं किया जाएगा और किसी भी दिशा में नॉन ऑर्डर टूटने नहीं किया जाएगा, इसके लिए हम पूर्ण कटिबद्ध। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश आदेश दिए गए हैं उनका अक्षर से अनुपालन कराने के लिए हम दृढ़ हैं और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ किसी प्रकार का नॉन ऑर्डर टूटने नहीं, कानून की धाराओं के तहत समझ जाएगा।